हेलो एवरीवन। तो पिछले शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट नोट देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का शॉर्ट नोट देखेंगे। एक क्विक रिवीजन के लिए दिस विल बी द बेस्ट वन, मतलब इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव सक्सेडिंग माइनस प्रीसीडिंग हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते जाएंगे। जनरल फॉर्म आपको पता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ टर्म्स होता है एन बाई टू, टू इंटू फर्स्ट टर्म एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। इसी को आप लिख सकते हैं एन बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ये कह सकते हैं एन टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, मतलब एन टाइम्स एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एन टाइम्स एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मूविंग ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो क्वाड्रेटिक, ये जो आपका है क्वाड्रेटिक में आएगा, समेशन जो है क्वाड्रेटिक में आएगा, लेकिन उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगा। आप इसमें देखिए, यहां पर n इंटू समथिंग और n इंटू n, n स्क्वायर आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो वैसे केस में इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट कॉन्स्टेंट टर्म, और इसका जो a है इसी का दुगना, n स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसका दुगना कॉमन डिफरेंस होगा, दुगना कॉमन डिफरेंस होगा। nth टर्म की बात करें तो nth टर्म लीनियर होगा, लीनियर होगा और an प्लस b के रूप में, और ये n जो है उसका कोफिशियंट वही कॉमन डिफरेंस होगा, कोफिशियंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस। ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। अगर दो एपी ले रहे हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप जोड़ दें या घटा दें तो भी एक एपी होगा। किसी एपी में हर टर्म में कुछ जोड़ें या घटाएं, हर टर्म में सेम कांस्टेंट जो है जोड़ें या घटाएं तो भी वो एपी होगा। डिवाइड करें तो भी वो एपी होगा, बशर्ते कि के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर के जीरो हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, और गुना करेंगे तो भी वो एपी में ही होगा। एनी टर्म ऑफ एपी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अगर जो देखोगे तो दैट इज द एवरेज ऑफ टू इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम इट। अगर एपी का यहां पर आप पांचवा टर्म ले रहे हैं तो इससे सात टर्म इधर बढ़ जाओ, या तीन टर्म इधर बढ़ जाओ और तीन टर्म इधर बढ़ जाओ, तो इन दोनों का एवरेज यही होगा, इन दोनों का एवरेज यही होगा। तो वही लिखा है कि एनी टर्म ऑन एपी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। मतलब rth टर्म जो है वो r माइनस के, मतलब k टर्म पीछे, r प्लस के, मतलब k टर्म आगे, उसका एवरेज लोगे तो rth टर्म के बराबर आएगा। एजम्पशन ऑफ टर्म्स, अगर ap में कुछ टर्म्स को मानने हैं तो आपको पहले ये देखना होगा कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है या इवन नंबर टर्म्स है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में आप a माइनस डी, a a प्लस डी इस तरीके से मान लेते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसमें बीच में दो टर्म मानना होता है, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर वैसे ही a प्लस थ्री डी, इसमें 2d का कॉमन डिफरेंस हो जाता है, इस तरीके से आप मानते हैं। खास तौर पे इस तरीके का एजम्पशन तब किया जाता है जब आपको सम ऑफ टर्म्स इन ap दिया हुआ, मतलब दिखा हुआ है कि ये ap में है और सम गिवन है, तो वैसे केस में d और d कैंसिल हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो सीधा एक वेरिएबल का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसमें सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग कांस्टेंट होता है, उसमें सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कांस्टेंट था, अगला माइनस पिछला, इसमें अगला बटा पिछला कांस्टेंट होता है। कोई भी टर्म जीपी का जीरो नहीं हो सकता, ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो आर है, तो स्टैंडर्ड जीपी आपका इस तरीके का दिखेगा। एनथ टर्म ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशियो है, एन आपका एनथ टर्म, पोजिशन ऑफ टर्म की बात कर रहा है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन बराबर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, r बराबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि defined नहीं होगा। अगर r बराबर 1 होगा तो ये gp होगा a a a a a, लेकिन sum करने के लिए अगर 10 बार है a a a 10 times तो 10 a लिख देंगे, इस तरीके से नहीं डायरेक्ट लगा सकते हैं। इनफाइनाइट gp किसको कहते हैं? तो वैसा gp जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, और खास तौर पे जब कॉमन रेशियो आपका मॉडलस एक से कम है, r बराबर जीरो तो होगा नहीं, तो r बराबर जीरो नहीं होगा उसको छोड़ करके कुछ भी है तो इसका r का पावर इन्फिनिटी एक से कम है तो उसका पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा a अपॉन वन माइनस r। एक क्विक रिवीजन है, इस बात को आप सुनते रहना, बस सुनते ही आपको रिवाइज होते जाएगा। फिर जीपी में वैसे ही है, प्रोडक्ट ऑफ rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड rth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब इधर से
दोनों तरफ के एंड से, इधर से पांचवा और इधर से पांचवा, दोनों टर्म का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो बराबर होगा किसके, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वो बराबर होगा क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आर ए टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। थ्री नंबर्स इन जीपी अगर जो अज्यूम करना, एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन जीपी, तो जैसे एपी में करते थे प्लस डी और माइनस डी, वैसे ही ए मान लिया, इसमें ए गुने आर, इसमें ए बटा आर, ताकि जब गुना करें तो कैंसल हो जाए। तो ये एजम्पशन का तरीका तब होगा जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन जीपी मेंशन किया हुआ हो, उसके बारे में जानकारी हो तो आसानी होती है, क्योंकि जब गुना करेंगे तो आर और आर पार हो जाएगा, आपके पास ए ए ए, तुरंत एक वेरिएबल बेकार हो जाएगा, एक वेरिएबल का वैल्यू तुरंत आ जाएगा, इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। वैसे ही आपके पास दो जीपी अगर दिया हुआ है तो दोनों जीपी के कोरेस्पोंडिंग टर्म्स को गुना करेंगे तो भी जीपी में रहेगा, लेकिन जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जीपी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीपी के टर्म को डिवाइड करें तो भी जीपी में होगा, हां के बराबर 0 नहीं है क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, गुना करने पे भी होगा, और पावर कोई लोगे हर टर्म का कोई kth पावर कर दोगे तो भी वो जीपी में होगा। आगे पॉजिटिव जीपी अगर जो है तो फिर से वही बात, कोई भी टर्म, जैसे एपी में क्या बोल रहे थे, कोई भी टर्म अपने से समान दूरी के टर्म्स का एवरेज होता है, तो यहां पर जीपी में कोई भी टर्म दोनों तरफ समान दूरी के टर्म का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा, उसमें था एवरेज होता है, इसमें स्क्वायर रूट होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर कोई सिक्वेंस जीपी में है, पॉजिटिव टर्म का सिक्वेंस है, तो उसका लॉग लोगे तो एपी में होगा एंड वाइस वर्सा, ए वन ए टू ए थ्री आर इन जीपी और नॉन जीरो, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जीपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा, तो सारे पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म है, तो लॉग लेने पे वो क्या होंगे, एपी में होंगे, और साथ ही साथ उल्टा, मतलब अगर लॉग है, लॉग ए वन लॉग ए टू, लॉग हटा दोगे तो ए वन ए टू ए थ्री फिर जीपी में होंगे, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अ सिक्वेंस एचपी में होता है तब जब उसका रेसिप्रोकल, टर्म का रेसिप्रोकल एपी फॉर्म करे, तो चूंकि रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा। कोई भी समेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी हो गया, वैसे यहां कोई ऐसा सच फॉर्मूला नहीं है। जनरल टर्म इसमें जब भी बात करना है तो एपी के सहायता से कर लीजिए। मान लिया बोलता है कि फलाना टर्म, मतलब पांचवा टर्म एपी एचपी का ये है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एचपी से जो एपी बनेगा उसके रेसिप्रोकल लेकर के उसके पांचवें टर्म के बारे में आप बात कर लीजिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब कभी भी आपको इसमें जनरल टर्म की बात करना रहे तो आप 1 अपॉन एपी वाला मानते जाइए, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2d, 1 अपॉन ए प्लस 3d, इस तरीके से आप मानते जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एबीसी तीन टर्म अगर एचपी में है तो बीच वाला टर्म जो होगा 2ac बटा ए प्लस सी होगा। एबीसी अगर एपी में है, एबीसी अगर एपी में है तो उस केस में बी बराबर ए प्लस सी बाई टू होगा, और एबीसी अगर जीपी में है, एबीसी अगर जीपी में है तो इस केस में बी स्क्वायर बराबर एसी होगा। ये तीन छोटे छोटे रिजल्ट्स बहुत काम के हैं, ये दोनों उधर मिस किया हुआ था, यहां पर लिख लिया हमने। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जब तीन टर्म एपी में हो तो बीच वाले टर्म को अरिथमेटिक मीन कहते हैं, आजू बाजू का। जैसे एबीसी अगर एपी में है, एबीसी एपी में है, तो बीच वाले को बी को कहेंगे ए और सी का अरिथमेटिक मीन। अगर एन अरिथमेटिक मीन दो नंबर के बीच में रखना है, ए और बी के बीच में, तो इसके बीच में अरिथमेटिक मीन ए वन ए टू इस तरीके से रखोगे तो सीक्वेंस एपी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, ए वन ए टू ए एन आर अरिथमेटिक मीन, तो क्या बोल रहा है कि उसके बीच में अगर रखोगे तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा, एपी बनेगा। अगर ए ना ज्योमेट्रिक मीन रखना है तो जीपी बनेगा, मतलब जिस तरीके का मीन रखना है उसी तरीके का आपका सीक्वेंस फॉर्म होगा। तो अगर यहां से पता चल गया आपका कि एपी में है तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को और नंबर ऑफ टर्म्स के मदद से कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, सारी चीजें आपको निकल के आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मींस दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मींस का जो समेशन होगा एन टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन होगा। मान लिया ए और बी के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उन 10ों का समेशन जो होगा, 10 अरिथमेटिक मीन का जो समेशन होगा 10 गुना ए प्लस बी बाई टू,
10 गुना n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन, अगर तीन नंबर जीपी में है तो बीच वाले को, बी को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे ए और सी का। वैसे ही n ज्योमेट्रिक मीन्स अगर इंसर्ट करना है तो ए और बी आपके पास दिया हुआ है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन जब इंसर्ट करोगे बालक तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जीपी, आपको मिल जाएगा जीपी। अब फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं और उससे आप पूरा टर्म निकाल सकते हैं। यहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, दो नंबर के बीच में प्रोडक्ट जो एन ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का एनथ पावर होगा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का एनथ पावर होगा। ये पाई का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, जी वन इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी फोर डॉट डॉट जी एन, वो जो ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट होगा वो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, उसका एनथ पावर होगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन, इफ ए बी सी आर इन एच पी, इफ ए बी सी आर इन एच पी तो बी को कहेंगे हार्मोनिक मीन, मतलब एपी में है तो बीच वाला अरिथमेटिक मीन, जीपी में है तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन, एचपी में है तो बीच वाला हार्मोनिक मीन, इसी तरीके से, ठीक है। ए जी एच अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है तो जी स्क्वायर बराबर एच होता है, यानी ए जी एच खुद एक जीपी फॉर्म करता है। अगर ए जी एच, ए जी एच ए अरिथमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है और एच हार्मोनिक मीन है, तो ये खुद एक सीक्वेंस फॉर्म करता है और वो है जीपी, तो जी स्क्वायर बराबर ए एच होता है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच है। इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर हो, ए इज इक्वल टू बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर a1, a2, a3 बहुत सारे नंबर हैं, उन सारे नंबर्स का अगर जो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वैसे केस में अगर सारे नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो एवरेज हो जाएगा। यहां पर n जो नंबर्स हमने अस्यूम किए हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन की बात करोगे तो a1 into a2 dot 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 an का होल पावर 1 by n होगा। हार्मोनिक मीन करोगे तो n upon 1 upon a1 1 upon a2, ये AMGM inequality में A greater than equal to G greater than equal to H, इन सबसे बड़ा होता है root mean square, उसको यहाँ mention नहीं किए हैं। This video revision series is मतलब kind of short notes, just मतलब कि आप mains के पहले कम से कम समय में कैसे अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इसको देखेंगे, इतना छोटा सा वीडियो पूरा चैप्टर का रिवीजन बहुत ही आसान हो जाएगा आपको रिवाइज करना। तो ये AMGM इक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करता है, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डॉट 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 AN। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, तो जिसमें एपी अरिथमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है, मतलब एपी और जीपी दोनों वाला हो, तो ये हो गया ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, इस तरीके से एपी हो गया, समथिंग आर आर स्क्वायर, इस तरीके से ये जीपी हो गया, तो ए जीपी हो गया। अब इस तरीके के समेशन में हमने बताया है कि आर से गुना करके इसी को यहां पर लिख करके एक आगे बढ़ा करके और इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे तो लास्ट में आपका आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी R टू द पावर n, और घटा दोगे तो इससे आपको सारी चीजें कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। R टू द पावर n अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो R टू द पावर n जो है उस केस में जब भी इनफाइनाइट जीपी रहेगा तो मॉडुलस ऑफ R जो होगा लेस देन 1 होगा, कॉमन रेशियो 1:0 के बराबर नहीं हो सकता, ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे जीरो हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आर एक से कम है तो उसका पावर इन्फिनिटी करने पे वो जीरो को अप्रोच करेगा, एज आर का मॉडुलस लेस देन वन एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू जीरो होगा, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स आ जाएंगे। लेकिन इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बस उस तरीके को याद रखिए कि जो सिक्वेंस लिखा हुआ है उसके कॉमन रेशियो से दोनों तरफ गुना कीजिए और उसको घटा दीजिए, आप मतलब लाइक टर्म्स को एक जगह लिख करके फिर घटा दीजिए, अपने आप आपको एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जिसका आप समेशन बिना नजर मतलब पलक झपकते ही आप बना दोगे उसको। सिग्मा नोटेशन, ये जो नोटेशन है इसको सिग्मा नोटेशन कहते हैं। यहां पर कुछ आप लिमिट लिखते हैं आई बराबर वन से एन, और यहां पर ए आई है, इसका मतलब होता है वन रख दोगे यहां पर, ए वन, टू रख दोगे ए टू, थ्री रख दोगे ए थ्री एंड डॉट 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 एन, इस तरीके के समेशन को ऐसे करके लिखा जाता है। सिग्मा में समेशन में दो तरीके का आप देखेंगे, एक देखेंगे विद लिमिट, एक देखेंगे विदाउट लिमिट। विद लिमिट वाला हम लोग यहां देख रहे हैं, आर बार वन से एन है यानी के रखने पर, ये गड़बड़ है यहां पर,
R बराबर वन सेन, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, R बराबर वन सेन, ये R पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, R बराबर वन रखोगे तो भी K आएगा, R बराबर टू रखोगे तो भी K आएगा, यानी हर बार K K K आएगा, तो N बार आ गया तो N K हो जाएगा, R बराबर वन रखोगे तो A1 A2 A3, तो इसमें प्लस में सिग्मा अलग अलग हो जाता है, इस पे सिग्मा आएगा और इस पे भी सिग्मा आएगा, प्लस और माइनस पे, गुना में नहीं, AR गुने BR रहेगा, तो सिग्मा AR और सिग्मा BR गुना कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ प्लस और माइनस पे। अच्छा, कुछ कांस्टेंट अगर इसमें गुना है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां बाहर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके के और रिजल्ट जो आपको याद रखने चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, याद रहे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग पॉइंट वन होना चाहिए, वन टू थ्री ऐसे करके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n into n plus 1 by 2 का whole square, ऐसे लिखते हैं n into n plus 1 by 2 का whole square, जो कि n into n plus 1 by 2 ये है, तो इसी को लिख दिया है sigma r का whole square, sum of first n odd natural number हमेशा n square होता है, इस पे 4-5 बार आ चुका है आपके mains में सवाल, sum of the first n, sorry यहाँ पर देखिए correction है, यहाँ पर correction है, ये odd नहीं होगा, ये even natural number, क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, तो ये कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखने चाहिए। अब बात रही समेशन ऑफ सीरीज की, जिस पे आधार पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसमें जो आपको पॉइंट रिवाइज करना है वो है आपको डिफरेंस मेथड, क्योंकि कुछ आसान सी बातें आएंगी तो वो तो आप बना ही लोगों, उसमें कोई समस्या नहीं है, तो आप डिफरेंस मेथड के सवालों को कम से कम 20 से 30 सवाल जरूर बना लीजिएगा, 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इस पे कमांड हो जाएगा और इस तरीके के सवाल आएंगे तो बहुत आराम से आप बना लेंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट, आपको किस तरीके का और वीडियो चाहिए, किस चैप्टर पे पहले चाहिए जरूर बताइएगा, या कोई सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, कैसा लगा वीडियो ये भी आप बताना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्टडिंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड अचीव योर टारगेट। थैंक यू।